नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ बात करूंगा कि गिरते बाजार में अपनी पोर्टफोलियो कैसे बनाएं या फिर कैसे मैनेज करें। यहां पे काफी सारे लोगों का एक ही सवाल है कि हम बाजार गिरेगा तो क्या अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दें, क्या सम्माल बेच दे। ये एक सही ऑप्शन नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जब 18,000 पे जब निफ्टी थी, तब अगर आपसे कोई कहता कि भाई मार्केट तो यहां से 15,500 तक जाएगी तो आप अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए, आप कहते ठीक है भाई मैं कर देता हूं। एंड आपकी पोर्टफोलियो में ऑटो स्टॉक्स होते, मान लीजिए ऑटो स्टॉक्स होते, क्योंकि उस टाइम क्या था, ऑटो स्टॉक्स पिटे पड़े थे और चल भी नहीं रहे थे, किसी ने खरीद भी नहीं रखे थे। ऑटो स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में होते, फार्मा होता, ऑटो होता और आईटी भी होता। अब आज की मार्केट में अगर आप देखेंगे, जहां निफ्टी 15,500 तो छोड़िए होके आ गई है, 17,000 पे ले लेते हैं हम राउंड फिगर में, 17,300 मान लो या 17 पे मान लो, ठीक है। अभी ऑटो स्टॉक्स हाईस पे बैठे हैं, लाइफ टाइम हाई पे, यानी कि आप वो फायदा छोड़ चुके होते। सेकेंड, फार्मा भी मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे हैं फार्मा के जो 52 वीक हाईस में, यानी कि वहां से भी आप फायदा जो है प्रॉफिट अपना छोड़ चुके होते। आईटी में जो गिरावट हुई है, हाँ वहां आप पैसा बचा लेते अपना, लेकिन दो जगह छोड़ के एक जगह बचाने का क्या मतलब बनता है। ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो तो हरे निशान में ही होती ना। पोर्टफोलियो कहा ही उसे जाता है जहां डाइवर्सिफिकेशन हो, जहां जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होती ना, वो बेकार है पोर्टफोलियो। आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए। सिंपल आसान भाषा में, शॉर्ट में समझाऊं तो, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है और 1,00,000 की पोर्टफोलियो आप हैंडल करना चाहते हैं, तो आप अप्रोक्स 20 स्टॉक्स को होल्ड करिए। 20 स्टॉक्स इसलिए, या अगर आप 5% पैसा एक स्टॉक में लगा रहे हैं तो 20 स्टॉक्स आएंगे आपके पास, 20 नहीं तो 18 तो रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 1,00,000 है, सीधे 1,00,000 को 1,000 से एवरेज करते हैं, 100 रुपए कहीं ना कहीं निकालते हैं, 1,000 का एक 1,000 वाले शेयर खरीदते हैं कि 100 शेयर तो आएंगे और 1,000 वाला 50 उठ जाए तो 5,000 का फायदा होगा, खत्म कहानी, फायदा बन गया। ये सबसे गलत आपका जो होता है मेथड होता है। अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, 18 स्टॉक्स चुनिए, आईटी, फार्मा, बैंकिंग, ऑटो, हर तरफ से आप स्टॉक उठाइए, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हर तरफ से पैसा बनाने की कोशिश करो, हर तरफ से आप अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करने की कोशिश करो। ये तो हो गई बात, अब जो हुआ सो हुआ, कैसे बनानी है बता दिया, अब आगे क्या करें इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक डिस्कस करने की। अगर आपने मेरा अभी तक व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरा व्लॉग चैनल भी देख सकते हैं और आज जो नया व्लॉग आया है वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे बनाएं, हो चुकी जो कैसे कैसे स्टॉक्स होते हैं अपनी कैसे मैनेज करें, अब कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए पोर्टफोलियो में, कौन से बेचने चाहिए। तो एक चीज और आपको मैं बता दूं, बाजार जो है वो रोटेट करता है अपने आप को, सेक्टर रोटेशन होता है। हो सकता है गिरते बाजार में कुछ चल रहा हो, उठते बाजार में कुछ वही गिर रहा हो, तो अभी कौन सा सेक्टर गिरा हुआ है और कौन सा सेक्टर चल रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय लीडर्स को देखोगे तो वो आएंगे ऑटो से और वो आपका सेकंड आएंगे बैंकिंग से। बैंकिंग एंड ऑटो में यहां पे आपको तेजी दिख रही है। अगर आप पिटाई देखोगे तो वो दिखेगी आपको मेटल्स में एंड आईटी में, यानी कि ये दो सेक्टर्स में पिटाई दिखेगी। अब कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम अगर लॉन्ग टर्म का व्यू ले रहे हैं तो जो पिट रहे हैं उन्हें हमें ऐड करना चाहिए, एवरेज भी करना चाहिए, ऐड भी करना चाहिए। अब आईटी में बहुत से स्टॉक हैं तो कहां पे मौके ढूंढने चाहिए, तो आप लार्ज कैप में जाइए, सीधे टीसीएस और इंफोसिस की तरफ। मिड कैप में जाते हैं तो माइंट्री आपके लिए काफी अच्छा आ जाता है, और स्मॉल कैप की बात करें तो मैं इतना ध्यान देता नहीं हूं तो मैं उस पर बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, मेटल्स में आते हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से मैं इन पे ज्यादा बात करता नहीं हूं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जो मैं नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप फिर भी मेरे से पूछे तो हिंडाल्को काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव लगता है, 346-350 के लेवल्स की उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू, और अभी स्टॉक उन्हीं के आसपास ट्रेड कर रहा है, 500-550 का डेफिनेटली आप टारगेट रख सकते हैं। अच्छा, तो क्या ऑटो और बैंकिंग से खाली कर दें, नहीं, वहां आपकी पोजीशन है तो वहां अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए। यानी कि अगर आपके पास किसी स्टॉक के 100 शेयर्स हैं, आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 100 में से 50 बेच सकते हैं, 50 रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही रखना है, अगर चल रहा है तो चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो को अभी ऐड करें।
एफएमसीजी में अभी तेजी बन रही है, तो ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एफएमसीजी अभी चलता ही रहेगा। जब मार्केट 18,600 पे थी तो एचयूएल को धक्के खा रहा था 2,000 पे और कोई नहीं पूछ रहा था, और उसी समय आईटी में इंफोसिस 1900 पे था, लाइन लगा के खरीदने वाले थे। आज वही एचयूएल 2700 का हो गया, 1900 का वाला इंफोसिस 1400 पे आ गया। तो सिंपल सी बात है, सेक्टर रोटेशन होता है। अभी आप 1400 में खरीदोगे तो कल आप 2000 पे देखोगे, अभी आप एफएमसीजी में एचयूएल 2700 पे ले लोगे तो कल दोबारा 2400 पे देखोगे। सिंपल सी बात है, रोटेट तो होगी मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2700 से 2400 के बाद वो नहीं चलेगा, वो 2400 से अगली बार 3000 का हो जाएगा, बट वो रोटेशन का टाइम वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये ओवरऑल मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ जो क्लियरली समझाना चाहता हूं मैं वो समझ गए होंगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।